हूं अभिषेक कात्यायन। झारखंड में आहार पोर्टल को अपडेट न किए जाने के कारण गरीबों को केंद्र सरकार से मिलने वाली मुफ्त अनाज योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार ने 3 महीने तक मुफ्त अनाज देने वाली योजना में बढ़ोतरी की है, लेकिन इसका लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। सितंबर में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महज 8% लोगों को ही योजना का लाभ मिल पाया है। राज्य के लगभग 55 लाख कार्डधारी अब तक अनाज नहीं उठा पाए हैं, क्योंकि आहार पोर्टल पर इनकी ऑनलाइन एंट्री नहीं की गई है। पहले सूखे की मार, फिर निवाले पर संकट। 55 लाख परिवारों के पास नहीं आहार। पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री की दरकार। झारखंड में लगभग 55 लाख परिवार सितंबर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले राशन का उठान नहीं कर पाए। इस योजना के तहत लगभग 59,46,000 लाभुकों को प्रति परिवार प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज मिलता है, लेकिन इस योजना का लाभ महज 8% लोगों को ही मिल पाया है। अगस्त महीने में भी महज 25% लोगों को ही राशन मिल पाया था। वजह, आहार पोर्टल पर राशन वितरण से जुड़ी जानकारियों का अपडेट नहीं होना। जबकि केंद्र सरकार ने आहार पोर्टल पर किए गए ऑनलाइन एंट्री को ही अनाज आवंटन का आधार बनाया है। पोर्टल की एंट्री के आधार पर ही केंद्र ने सितंबर महीने के अनाज का आवंटन किया है, जिसकी वजह से लगभग 55 लाख परिवार योजना के लाभ से वंचित हो गए। वो भी तब जब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर तक विस्तार दिया है। आहार पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री की जिम्मेदारी खाद्य आपूर्ति विभाग की है, जो इसके अपडेशन न होने के पीछे तकनीकी वजहों का हवाला दे रहा है। वहीं एक बड़ी आबादी के केंद्रीय योजना के लाभ से वंचित रहने के कारण मामले ने सियासी तौर पर भी तूल पकड़ लिया है। सत्ता पक्ष इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। देखिए, यही तो मोदी सरकार का खेल है कि कैसे लोगों को वंचित किया जाए। जहां चुनावी राज्य है वहां मुफ्त अनाज बांटो, और जहां चुनाव नहीं है वहां अनाज काटो। केंद्र सरकार लगातार लोगों के निवाले छीनने में लगी हुई है। पहले खाद्य पदार्थों पर GST लगा करके लोगों से खाना को दूर करने का प्रयास किया गया, और जो मुफ्त अनाज मिलना है, जिसकी वाहवाही लूटने से भी ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। अगर झारखंड के साथ इसी तरह का सौतेला व्यवहार लगातार आप देख रहे होंगे कि हर बात में किया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के हमलों से BJP भी तिलमिला गई है। BJP ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से संसाधन लेने की विफलता के लिए झारखंड सरकार जिम्मेदार है। जहां तक सवाल है कि ऑनलाइन जब सारी चीजें हो रही है देश के अंदर, डिजिटल भुगतान हो रहे हैं, तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार कान में तेल डालकर चुप क्यों बैठी थी? यदि यहाँ के लोगों को अनाज वगैरह मुफ्त अनाज नहीं मिलेगा तो इसकी जिम्मेवार तो राज्य सरकार होगी। झारखंड में वैसे ही इस बार सूखे के हालात हैं, उस पर भी गरीबों को अब केंद्रीय योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में सारी उम्मीदें राज्य सरकार से ही है। या तो राज्य सरकार गरीबों का पेट भरे, या फिर ऑनलाइन व्यवस्था पूरी करे ताकि केंद्र से संसाधन मिल सके। कुमार चंदन, Zee Media।